दोस्तों टाटा नैनो के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है भारत के अंदर एक ऐसी गाड़ी आने वाली है जो अपने आप चार्ज हो सकती है। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सस्ती होगी कि आप इसे केवल एक मोटरसाइकिल की कीमत में ही खरीद सकोगे। ऐसे में दोस्तों अगर आपका परिवार भी 4 से 5 लोगों का है और आप भी कोई सस्ती सी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं लगातार ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। और आप इस वीडियो को अभी कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट के अंदर अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताना। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप अभी जिस गाड़ी को देख रहे हो ये गाड़ी पूरे तरीके से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है, मतलब आप इस गाड़ी को केवल और केवल बिजली के खर्चे पर ही पूरे दिन भर चला सकोगे। दोस्तों इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी तो ये होगी, ये गाड़ी चलते चलते अपने आप चार्ज हो जाएगी। इस गाड़ी को स्पेशली गरीब लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप इस गाड़ी की कीमत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो, ये गाड़ी आपको भारत के अंदर 5 लाख रुपए से भी कम कीमत में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों दिखने में तो ये गाड़ी बहुत ही महंगी लगती है, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है ये गाड़ी ज़रूर 10-20 लाख रुपए की गाड़ी होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी की इतनी कम कीमत इसलिए रखी गई है ताकि इस गाड़ी को गरीब से गरीब आदमी भी खरीद सके। दोस्तों इस गाड़ी को स्पेशली गरीब लोगों के लिए ही बनवाया गया है। इस गाड़ी को कंपनी भारत के अंदर इसलिए लॉन्च करना चाहती है ताकि भारत के गरीब से गरीब इंसान इस गाड़ी को खरीद सके, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो भारत के अंदर अभी ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो आपको 5 लाख रुपये से कम कीमत में देखने को मिल जाए। ऐसे में जब ये गाड़ी भारत के अंदर लॉन्च होगी तो इसे हर गरीब से गरीब इंसान ज़रूर खरीदेगा। दोस्तों ये गाड़ी भारत के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होगी। इस गाड़ी की कीमत और इसकी लॉन्च डेट के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ये गाड़ी पूरे तरीके से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, ऐसे में आपको ये बात तो ज़रूर पता होगी किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी ड्राइविंग रेंज, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी एक बार चार्जिंग के बाद कितनी दूरी तक चल सकती है। ऐसे में अगर इस गाड़ी की ड्राइविंग रेंज के बारे में बात करें तो एक बार चार्जिंग के बाद आप इस गाड़ी को 300 किलोमीटर तक लेकर जा सकोगे। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये गाड़ी एक बार चार्जिंग के बाद 300 किलोमीटर की लंबी ड्राइविंग रेंज आपको निकाल कर देगी। वही अगर इस गाड़ी के चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो आप इस गाड़ी को 2 घंटे में ही 80% तक चार्ज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों चार्जिंग टाइम सुनने के बाद आप यहाँ पर थोड़े से घबरा गए होंगे, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में तो मैंने बोला था कि ये गाड़ी अपने आप चार्ज होती रहेगी। जी हाँ दोस्तों मैंने कोई झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला था, ये गाड़ी हकीकत में अपने आप चार्ज हो सकती है, क्योंकि कंपनी आपको इस गाड़ी के साथ सोलर पैनल लगवाने का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराती है, मतलब अगर आप चाहो तो कंपनी को थोड़े ज़्यादा पैसे देकर इस गाड़ी की छत के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हो। सोलर पैनल की मदद से ये गाड़ी सूर्य के एनर्जी के साथ अपने आप ही चार्ज होती रहती है। फिर आपको इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए किसी भी चार्जिंग स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे दोस्तों यहाँ तक देखने में आपको क्या लगता है, क्या ये गाड़ी भारत के अंदर सफल हो पाएगी या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि मैं हर किसी का कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी को देखने के बाद आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई क्या होने वाली है। इस गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा आप इस गाड़ी को ऑल्टो K10 के साथ कंपेयर कर ही लगा सकते हो। दोस्तों इस गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ये गाड़ी बिल्कुल ऑल्टो K10 के जैसी ही देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर आपको पूरे तरीके से 5 लोगों के बैठने की जगह देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले अगर इस गाड़ी की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम होगी। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक गाड़ी पूरे तरीके से 5 सीटर गाड़ी होने वाली है। अगर इसके बूट स्पेस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 150 लीटर का बूट स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको LED हेडलाइट के साथ साथ इंटीग्रेटेड DRL भी देखने को मिलने वाली है।
उसी के साथ में आपको 13 इंच के अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाएंगे। दो टायरों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, लेकिन दो टायरों के अंदर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। गाड़ी में अंदर जाने के लिए आपको 4 दरवाजे ही देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर गाड़ी के पीछे चलकर बात करें तो पीछे की तरफ भी आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में आपको रियर वाइपर भी देखने को मिलता है और एक रियर कैमरा भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर फीचर्स की कोई भी कमी नहीं रखी है, क्योंकि कंपनी इस बात को बहुत अच्छे से जान चुकी है, अगर ये गाड़ी भारत के अंदर कामयाब करानी है तो इसके अंदर फीचर तो डालने पड़ेंगे। दोस्तों, इस गाड़ी को देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी को किस कंपनी ने बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गाड़ी को जापान की एक कंपनी ने बनाया है। वो कंपनी बहुत ही जल्द इस गाड़ी को भारत के अंदर भी लॉन्च करने वाली है। चलिए अब हम गाड़ी के अंदर चलकर बात कर लेते हैं, अंदर की तरफ आपको कौन कौन सी खूबियाँ देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी देखने को मिलती है। उसी के साथ में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको ढेर सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं। उसी के साथ में सेफ्टी के लिहाज से आपको क्रूज कंट्रोल के जैसा इंपॉर्टेंट फीचर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में इंडियन वेदर कंडीशन को देखते हुए आपको AC और हीटर भी देखने को मिल जाता है। अगर इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में सेफ्टी के इम्पोर्टेंट फीचर भी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी आप इस गाड़ी का इंटीरियर अपने आप से भी देख सकते हो। इसका इंटीरियर दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लासिक नज़र आता है। दोस्तों, अंदर से दिखने में तो ये गाड़ी सचमुच में एक लग्जरी गाड़ी ही नज़र आती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये गाड़ी भारत के अंदर कब तक आएगी और आप इसे कितने रुपए में खरीद सकोगे। अगर इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो आप इस गाड़ी को भारत के अंदर 2026 तक देख सकोगे। वही अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो आप इसे महज 3 लाख रुपए के एक्सोरूम प्राइस पर खरीद सकोगे। बाकी आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना, ये गाड़ी आपको कैसी लगी और क्या आप इसे खरीदना पसंद करोगे या नहीं। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। मिलता हूँ एक नई वीडियो के